लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक का बहुत अच्छा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जो हम प्लेन कुर्ती में इजीली बना सकते हैं। उसके लिए हमने ये सूट की कटिंग कर ली है। अब हम सूट का ये जो हमारा आगे वाला पीस है, इसको हम चौड़ाई से डबल कर लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल मिलाकर डबल कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे, बंद भाग की तरफ सीधा निशान लगा लेंगे हम, और ये निशान हम 12 इंच में लगाएंगे। ये डिज़ाइन 12 इंच में कम से कम बनाया जाता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 13 इंच में या 14 में बस बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। दो दो इंच का हम गैप ले लेंगे इस तरह से, और लंबाई में हम, अगर हमने ये 12 इंच ली है तो इससे हम 1.5 इंच कम ले लेंगे। ये 12 है तो इससे 1.5 इंच कम, यानी 10.5 इंच लंबाई में लेंगे हम। ये वाली लाइन हम इस तरह से खींच लेंगे और इसको हम 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे, यानी 1.5 इंच कम इस तरह से। अब हम एक लाइन और बनाएंगे 2-2 इंच की दूरी पर इस तरह से। 3 ही लाइनें बनानी है हमें ये, और इसको हम 10.5 से 1.5 इंच कम, यानी 9 इंच पर बनाएंगे। 9 इंच पर बनाएंगे इस तरह से। हम इन लाइनों को अब डार्क कर लेंगे, और अब हम इस पीस को खोलेंगे। ये हमने सीधी तरफ निशान लगाया है कुर्ते की या सूट की, सीधी साइड निशान लगाया है हमने ये। अब हम इसको पलट कर इस साइड भी छाप लेंगे, यानी एक साइड लग चुका है, दूसरी साइड भी हम ये निशान छाप लेंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर रखकर कपड़ा, ऊंचा नीचा ना हो ज़रा सा भी, इस तरह से हम छाप लेंगे ये, ताकि बराबर निशान आ जाए हमारे। ये देखिए, एकदम बराबर निशान आए हैं हमारे ये। डार्क कर लेंगे हम। अब ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब हम ये इस कलर की पट्टी लगाएंगे इस पर। ये हमने कपड़ा ले लिया है, बचा हुआ कपड़ा है ये, इसमें से हम पट्टियाँ काटेंगे। पट्टियाँ काट कर गले में लगाएंगे, तो हम जो पट्टियों की चौड़ाई लेंगे वो 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे पट्टियों की इस तरह से। 1.5-1.5 इंच पर निशान लगा देंगे, और जो पट्टी की लंबाई लेंगे हम, वो हम जो हमारा सबसे बीच वाला निशान है, यानी जो सबसे पहले लगाया था हमने, उसकी लंबाई नाप लेंगे पहले, उसी की कटिंग करेंगे। 12 आ रही है, इसी हिसाब से छोटी बड़ी पट्टियां हम काट लेंगे जिस तरह की है ये। अगर हमारी बीच वाली लाइन की 12 आ रही है लंबाई, तो हम उसकी 13 ले लेंगे। दूसरी जो लाइन हमने खींची थी उसकी हमारी 10.5 है, तो 11.5 ले लेंगे। इस हिसाब से हमें ये पट्टियाँ काट लेनी है। ये देखिए, एक पट्टी मैं आपको ये दिखा रही हूँ इस तरह से ही। हमें सारी पट्टियाँ काट लेनी है, 5 पट्टियाँ। ये देखिए, हमारी 5ों पट्टियाँ कट चुकी हैं। छोटी बड़ी पट्टियाँ काट ली हैं हमने। एक पट्टी बड़ी काटी है, 2 उससे छोटी, फिर 2 3ों से छोटी। अब सबसे पहले हम बीच वाली पट्टी लगाएंगे। इसको एक तरफ से मोड़ लेंगे हम, और जो हमारा बीच वाला निशान है, बीच वाले निशान से थोड़ी सी हटाकर, 1/2 इंच हटाकर लगाएंगे ये। थोड़ी सी हटाकर लगाएंगे, निशान पर सिलाई नहीं लगानी है हमें, थोड़ी सी हटाकर लगानी है ये सिलाई। इस तरह से हम लगा देंगे ये, बिल्कुल सीधी सफाई से लगा देंगे। ये देखिए, हम उस निशान से थोड़ी सी हटाकर सिलाई लगा रहे हैं। अब हम आगे आकर जहाँ हमारा निशान ख़त्म है, वहाँ पर अगर हमें पट्टी बड़ी लग रही है, तो थोड़ा सा काट लेंगे उसको, और इस तरह से अंदर को मोड़कर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ लेंगे हम,
जैसे एक साइड से मोड़ कर लाए थे हम, ऐसे मोड़ कर, और इस सिलाई को हम वापस ले जाएंगे। अब इस तरह से ऊपर वापस ले जाएंगे सिलाई करते हुए हम। बहुत ही सुंदर ये नेक डिज़ाइन हमारा लगता है बनने के बाद। ये देखिए एक पट्टी हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब हम इसी तरह से अपनी चारों पट्टियां और लगा लेंगे, छोटी बड़ी कर कर निशान तक लगा कर। ये देखिए हमारी पांचों पट्टियां लग चुकी हैं। जिस तरह से हमने निशान लगाए थे सेम वैसे ही पट्टियां लगा ली हैं। अब हम इस पर गला बनाएंगे। ये हमने बॉट नेक की कटिंग की हुई है और ये बॉट नेक हमें पहले इस कपड़े पर तैयार कर लेना है। देखिए हमने ये कपड़े पर लगा लिया है पहले, अब हम इसको इस पर लगाएंगे। उल्टी तरफ से हम लगाकर इसको सीधी तरफ मोड़ेंगे। इसको लगाने के लिए पहले हम बीचों बीच निशान लगा लेंगे, सूट में चौक से निशान लगा लेंगे बीचों बीच इस तरह से, ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो जाए। और इसमें कुटका लगा लेंगे हम, और ऐसा ही निशान हम गले में भी लगा लेंगे, गले को डबल करके इस तरह से, और इस पर निशान लगाकर, और इस पर भी हम एक कुटका लगा लेंगे बीचों बीच। और अब हम कुटके पर कुटका रखकर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कुटके पर कुटका रखकर सिलाई लगाएंगे बीचों बीच। ये सिलाई हम बड़ी लगाते हैं, फुल साइज सिलाई, क्योंकि ये हमें हटानी होती है, उधेड़नी होती है बाद में। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ तक लगाकर सिलाई रोक देंगे। और अब हम ये चेक करेंगे कि ये गला हमारा बीचों बीच लगा है या नहीं। तो ये देखिए गला इधर से बराबर और ये कमीज़ के मुड्ढे इधर से अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा गला बिल्कुल सही लगता है, ये गला बिल्कुल ठीक लगा है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि ये गला हम उल्टी साइड से लगा रहे हैं और इसको पलटकर हम सीधी साइड लाएंगे। और अब हम बिल्कुल बुकरम की किनारी किनारी सिलाई लगा देंगे। बस सुई की नोक के बराबर ही हमें चढ़ानी होती है सिलाई। इसके लगने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो अंदर वाला हिस्सा था हमारा, और इसमें कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगा लिए हैं, बीच वाली सिलाई उधेड़ देंगे हम। अब इसको पलट कर हम सीधी तरफ लाएंगे, गले को पलट कर। अब हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे आगे की तरफ, पहले फिनिशिंग के लिए, ताकि ये गला हमारा बैठ जाए ठीक से। एक पैर की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, और ये सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे कि ये अंदर वाला जो हमारा सूट का कपड़ा है नीचे वाला, वो दिखाई ना दे। थोड़ा कपड़े को नीचे से खींच कर तब लगाएंगे, और इस तरह से हम ये पूरे गले में लगा देंगे। पूरे गले में हम ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने एक सिलाई पूरे गले में लगा ली है। और अब हमने जो बुकरम सेट करने के लिए कच्ची सिलाई लगाई थी, इसको हटा देंगे। ये देखिए हटा दी है हमने सिलाई, और अब हम किनारी पर लगाएंगे बाहर की ओर सिलाई, ताकि ये गला पूरी तरह से इस पर फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई हमने बुकरम पर पहले ही लगाई हुई थी, और एक हम अब लगा रहे हैं बिल्कुल किनारी पर सिलाई। ये देखिए हमारा गला ये बिल्कुल तैयार हो चुका है लगकर। अब हम इसमें ओरेप पट्टी लगाएंगे, गले के जो हमने गोल गला बनाया है, बॉट नेक बनाया है, उसके बीचों बीच हम ओरेप पट्टी लगाएंगे। तो 2 इंच की हम पट्टी काट लेंगे इस तरह से, 2 इंच की पट्टी काट लेंगे। ये देखिए पट्टी, और इस पट्टी को हम डबल करेंगे पहले, तो डबल करके और इसको मोड़ देंगे पीछे की तरफ, एक तरफ मोड़ देंगे, चाहे किधर भी मोड़ गए हम सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी मोटी पाइपिंग टाइप बना लेंगे पट्टी को मोड़ कर, इस तरह से बना लेंगे हम। ये देखिए हमने पूरी पट्टी में इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको बॉट नेक पर रख कर और बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और थोड़ी सी हम पट्टी को खींच कर सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हल्के हाथ से खींचते रहेंगे पट्टी को और सिलाई लगाते रहेंगे हम। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है हमें, ये देखिए पूरे गले में लगा लेनी है। देखिए एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड लगाएंगे दूसरे सिरे पर। इसी तरह से इस पर तो ईजिली सिलाई लगती चली जाती है हमारी। ये देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। और हमने जो बीच में सिलाई लगाई थी पट्टी को मोड़ने के लिए, उस सिलाई को हम हटा देंगे। ये देखिए हमारा गला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नीचे टसल्स लगाएंगे और बटन लगाकर इसको पूरा करेंगे हम। ये देखिए कितना सुंदर गला ये लग रहा है बनने के बाद, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लुकिंग देता है ये गला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।